Welcome back, guys. I'm back with my guest Bilal Khan. और इनके साथ बहुत अच्छी बातें कर रहे थे हम लोग और performance में दिखाई थी बचाना song बहुत अच्छा है बहुत सबको पसंद है वो हमने देखा था definitely हम लोग video भी चलाएंगे लेकिन इस program के end में well Bilal आपके music के बारे में बातें हो रही थी और instrument सिर्फ guitar तो खैर नजर ही आ रहा है guitar तो बजाते हो इसके अलावा भी कोई instrument play करते हो इसके अलावा टेबल बजा लेता हूँ टेबल तो वैसे मैं भी बजा लेती हूँ ऑल्दो मैं ट्यून में नहीं हूँ पर स्टिल मैं भी टेबल बजा लेती हूँ इसके अलावा आई डोंट थिंक आई कैन प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट आई कैन लाइक फूल यू कि मैं पियानो बजा सकता हूँ विद द टाइमिंग एंड ऑल बट एक्चुअली मुझे नहीं आता बजा अच्छा किसी से सीखा नहीं पर स्टिल आप लोग आप बहुत अच्छा गाते हो अभी गाना रिलीज किया तकदीर उसकी वीडियो भी रिलीज कर दी इंटरनेट पे आई रोट दिस सॉन्ग व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद It's sort of a song about being fearless. Ke, you know, whatever happens, happens. Matlab, likha hai jo meri takdeer se hi. That's the line from the song. Aur jo kuch bhi hoga, hoga. Bas. Yeah, hopefully for matlab, acha hi hoga. Acha hi hoga. Acha, jo aap gaane likhte ho, khud hi likhte ho, khud hi compose karte ho. Aur jo inspiration lete ho songs ki, wo kahan se lete ho? Koi specifically koi. I think from life experiences. Life experiences lete ho. Most of the songs I think describe बहुत अच्छी तरीके से कि जो sort of events हुए हैं but not all of them like there's some songs that I just wrote because they were working well with the theme of the song and जिस तरह की उसकी tune थी in जो पहली video बनाई थी बचाना उसमें I left it all on the director and वो उनकी थी कि वो जिस direction में वो लेके जाना चाह रहे हैं I just told him कि मैं आपके सामने सिर्फ act करूँगा आप मुझे जैसे बता दें पर इसमें शंदाना सरमद है उन्होंने direct किया ये video तो बड़ी detail में बैठ के शंदाना के साथ एक-एक चीज discuss की थी कि बहुत natural feel चाहिए you know जो गाने के साथ जाए and हम specifically इस्लामाबाद गए थे इसको shoot करने के लिए और तो With this video, I think we हमने ज़्यादा किया था कि बैठ के एक-एक चीज़ डिस्कस की थी, but at the end of the day, it was totally up to the director that whatever she wanted. Oh,
जबरदस्त. आई वुड मस्ट से कि आपके बचाना की ही तरह का ये भी गाना बहुत जबरदस्त है. सबने तो अब सुन लिया होगा ना, डेफिनेटली सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा. मैंने तो वैसे पहले भी सुन लिया था इसीलिए. एनीवेज, अच्छा ये बताओ कि जैमिंग वगैरह करते हो गए लाइक खुद ही अपने गिटार के साथ, या कोई सेशनिस्ट होते हैं जिनके साथ जाके परफॉर्म करते हो? ऑब्वियसली एक्चुअली अभी तक तो जिस तरह हम परफॉर्म करते रहे स्टेज पे वो इस तरह की मैं अकेला ही सोलो एक्यूस्टिक गिटार के साथ. बट अब ये कि वी हैव लाइक अ प्रॉपर बैंड फॉर द लाइव सेटअप जिसमें वील प्रोबेबली बी हैविंग सलमान अल्बर्ट जो ईपी में बजाते हैं वो ड्रम्स पे होंगे और उनके साथ एक बेस प्लेयर होंगे. तो अब जो लाइव परफॉर्मेंसेज होंगी उस पे इट बी अ लॉट मोर, देयर इज गोना बी अ लॉट मोर एनर्जी. एल्बम भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो गई है तो इफ यू लुक एट इफ यू हियर द सॉन्ग्स ऑफ द एल्बम दे आर लाइक वेल प्रोड्यूस्ड प्रॉपरली प्रोड्यूस्ड सॉन्ग्स और तो ड्रम्स एंड बेस के साथ. हाउ मेनी सॉन्ग्स वुड बी देयर लाइक वी आर स्टिल नॉट श्योर कि कितने होंगे, वी आर स्टिल डिसाइडिंग बट वी रिकॉर्डेड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन दिस. अच्छा वैसे तो हमें पता है पर जिनको थोड़ा बहुत नहीं आईडिया है जो सॉन्ग्स आप बेसिकली मोस्टली का जॉनर होगा वो क्या होगा? इट्स गोना बी एक्यूस्टिक वर्क. या ओके. और मोस्टली सॉन्ग्स किस किस्म के होंगे, लाइक इमोशनल टाइप होंगे? जो मैंने अभी रिसेंटली गाने लिखे चार पांच, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को कंप्लेन थी कि बहुत उदास गाने हैं, कोई हैप्पी गाना नहीं है. बट आई थिंक इवन विद तकदीर आई थिंक यू कैन सॉर्ट ऑफ सी द ट्रांजिशन इनटू द हैप्पियर जोन. तो होपफुली देयर विल बी लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ. या अच्छा जब कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हो, परफॉर्मेंसेस देते हो, लाइव परफॉर्मेंसेस लोगों के सामने बैठ के, तो किस किस्म के क्राउड ज्यादा मजे का लगता है? जो कि सेटल डाउन होते हैं आराम से सुन रहे होते हैं, या जो मतलब जो कि जिनमें फुल टाइम एनर्जी होती है कि वंस मोर वंस मोर? एनर्जी अगर अच्छी वाली हो तो फिर मजा आता है, क्योंकि एक एनर्जी वो भी होती है, अभी तक फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ, बाकी परफॉर्मर्स के साथ हो चुका है कि जिसमें प्लेटें और एग्जैक्टली. मैं लास्ट टाइम एक कॉन्सर्ट में थी, थैंक गॉड मैं पहले निकल गई थी वहां से, वहां पे तो बॉटल्स और ये और वो सब कुछ भरा था. बिल्कुल. तो बट आई जस्ट रियली लव कि जब विद अ सॉन्ग लाइक बचाना, आई नो कि बेशक अगर मैं 10 गाने गाऊंगा दैट्स गोना बी द सॉन्ग जो सारों को पता होगा, सबको सेटल कर देगा. या सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द सॉन्ग दैट आई enjoy a lot performing. You always have the playlist, एक playlist होती है जो कि no, concert में जाके कभी वहाँ जाके mood को देखते हो बस. No, they have this. I have this problem of like not deciding before. I don't have like a written playlist. I just go on the stage and decide on spot के what I'm going to play. You know. कभी भी did you ever feel कि you should have a band? Because I think being in a band, yeah, it's a bit comfortable ki aap jamming kar lo, ye wo kar lo. I think abhi to aapne sessions ke saath nahi perform kiya, but future mein aap karoge Sulman Albert ke saath. But we are jamming with them. Is tarah nahi hai ki hum matlab seedha stage pe chale jayenge. We are obviously usse pehle thoda pehle karte ho. So a band is a band. Agar main band banata hu to usme ye hoga ki matlab do teen aur logon ki creative input bahut essential ho jayegi. But I think अभी तक मुझे उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी, because जो हमने एल्बम रिकॉर्ड किया उसमें the producer I've been working with सरमद गफूर, वो आतिफ असलम के लिए गिटार भी बजाते हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं. तो उनके साथ मैंने ये एल्बम किया है और उनका जो क्रिएटिव इनपुट था आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज उनको बिल्कुल समझ आ गई थी कि साउंड मुझे कैसी चाहिए. वेल हमें एक रिक्वेस्ट आई है ज़ारा की लाहौर से, दैट इज फॉर द सॉन्ग कभी गम ना आए, एंड इट्स आल्सो अ वेरी वेल कंपोज्ड सॉन्ग, वेल रिटन, बहुत अच्छा है. एंड आई एम श्योर कि बिलाल की परफॉर्मेंस भी पहली परफॉर्मेंसेस की तरह बहुत जबरदस्त रहेगी. सो बिलाल से यूं देखते ढूंढ रहा हूं क्या ये काली रात से ये पूछो ना
Awesome. Seriously, it was awesome. मेरे पास words नहीं हैं and I need an autograph. सही. और उसके लिए मुझे एक छोटी सी break पे जाना पड़ेगा. Well guys, मैं बिलाल से autograph लेती हूँ. वैसे बिलाल का mood नहीं मुझे लग रहा है. लेकिन definitely लूँगी autograph. So guys, go for a short break. Break के बाद वापस आते हैं और इनसे और भी बातें करते हैं. Although हमारे program का time खत्म होता जा रहा है, लेकिन आप लोगों के messages भी बहुत सारे हैं और messages करें because we both are waiting for them. So guys, we'll be back after this break.